कमाल जी, जैसे कि महाराष्ट्र में मामले ज्यादा आ रहे हैं और महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की लॉकडाउन चालू रहेगा इस तरीके की अफवाहें हैं, आखिर क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? भाई अफवाहें क्या है, लॉकडाउन तो लग ही गया, लंबा खींचेगा ऐसा अफवाहें है। हाँ लंबा ही खींचता है वो, पहले भी तो दो दो दिन चार चार दिन आठ आठ दिन करके चलता रहता है ना। अभी मैं अपना प्रधान के चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर कोरोना क्यों नहीं है, महाराष्ट्र में ही कोरोना है, ऐसी लोगों के लोग बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? लोग बोल क्या रहे हैं, सही बोल रहे हैं, कहने की क्या ज़रूरत है? देखिए सच्चाई सारी दुनिया को मालूम है, सब कुछ सारी दुनिया को मालूम है, सब जानते हैं। आज पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पहले जैसी पब्लिक नहीं है जो मुंह बांध के रहती थी, अब पब्लिक को सब कुछ मालूम है। अब रहा सवाल ये कि जिस वक्त कांग्रेस का राज था तो उन्हीं दिनों में लोग तंग आ गए थे कांग्रेस से, तो ये सोचा था भाई नरेंद्र मोदी जी को जिता देंगे तो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए अच्छा काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे, लिहाजा गरीबों का भला करेंगे, पब्लिक का भला करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में पूरे देश की लुटिया ही डुबो दी। जैसे कि इस वक्त जो है ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कोरोना को हटाना है तो चुनाव लिया हो और चुनाव आ जाएगा तो कोरोना चला जाएगा, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? कोरोना से चुनाव से कोई मतलब नहीं है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर कोरोना क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है ना कि कोरोना वहाँ होगा तो चुनाव कैसे होगा। ओके, कोरोना अगर वहाँ होगा तो चुनाव कैसे होगा? कोरोना वहीं होगा जहाँ के देश को बर्बाद करना है, और कहीं कोरोना नहीं होगा। और मैं एक बात आपको ये बता दूँ कि इस वक्त पब्लिक जितनी भी है इतना परेशान है और इतनी गुस्से में है कि वो क्या कर डालेगी कुछ भरोसा नहीं है। दूसरी बात ये रही कि कमीनापन जो लोग आजकल कर रहे हैं, जिस जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जिस जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे कि मुसलमानों की लड़कियों को टारगेट करो, ये साले खुद कमज़ोर हो जाएंगे। एक और आया कमीना कुत्ता, वो उल्टा सीधा बोल रहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा ऐसा गंदी हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के सब लोग कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी गलत बोले उसको सज़ा दी जाए। और मैं नरेंद्र मोदी जी से ये गुजारिश करूँगा कि दोनों आँखें खोल के और दोनों को देखें, एक आँख बंद करके एक को देखें ये गलत है। आप प्रधानमंत्री हो, ये सब पूरा देश जितना भी है आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों को आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? अब रहा सवाल ये कि लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन अब ये नहीं सोचा कि लॉकडाउन लगने के बाद जब आदमी काम धंधे पर नहीं जाएगा तो खाएगा कहाँ से? छोटे छोटे मासूम बच्चे जो दूध के लिए मर जाएंगे तड़प तड़प के, तो दूध अगर दुकान भी खुली हुई है, राशन की दुकान भी खुली हुई है, पैसे नहीं तो क्या फोकट में देगा दुकान वाला? पैसे भी चाहिए कि नहीं चाहिए? जब लॉकडाउन को लगाए रखोगे, सब बंद कर रखोगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? लॉकडाउन अगर लगा तो जो मिडिल क्लास है या लो क्लास है उसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि लग नहीं रहा है, लगाया जा रहा है देश को बर्बाद करने के लिए, ये जान करके ज्यादती की जा रही है, ये गलत बात है। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी ये गुजारिश करूंगा कि आज आप जवान नहीं हो, बच्चे नहीं हो, बूढ़े हो गए हो, कल आपको भी मरना है, तो कम से कम कुछ अच्छा काम करके मरो ताकि लोग याद करें कि हाँ हमारा कोई प्रधानमंत्री आया था, उसने हमारे लिए अच्छा किया। खाली गालियाँ खाने से कुछ नहीं होता है, गालियाँ पब्लिक की खाते रहो, जनता की गालियाँ खाते रहो, हो सके तो अब लास्ट टाइम में कुछ थोड़ा अच्छा काम कर दो। तो मेरा कहने का मतलब यही है, प्रधानमंत्री होने दो या कोई भी होने दो, सच्चाई बोलने में किसी के बाप से नहीं डरने का, सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई बोलो, सच्चाई बोलना ज़रूरी है। ये पब्लिक जो मर रही है भूख से, परेशानी से, छोटे छोटे बच्चे दूध से मर रहे हैं, गलत है। बस ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा ही बोलना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।